तो बहराइच के लोगों का संघर्ष कब खत्म होगा देखने वाली बात है, लेकिन एक और संघर्ष की बात करते हैं। शंभू बॉर्डर पर लगातार किसानों का संघर्ष और 200 दिन पूरे, इसी पर बड़ी खबर मिल रही है। रेसलर विनेश फोगाट के पहुंचने की खबर है। शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ धरने पर बैठी है विनेश, ये बड़ी खबर। चुनाव लड़ने पर विनेश फोगाट बोली, मुझे राजनीति की जानकारी नहीं है। किसानों के धरने पर जरूर बोली विनेश फोगाट, मेरे देश के किसान परेशान हैं, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ये कहना है विनेश फोगाट का। तो आज 200 दिन पूरा हुआ किसानों का शंभू और खनौरी बॉर्डर पे। इसी बीच सम्मान के लिए विनेश फोगाट आई थी, लेकिन इसी बीच वो किसानों के साथ धरने पर बैठ गई। क्या कहती है सुनिए जरा। हम खिलाड़ी भी नहीं है, अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को ही दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा, अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। पर विनेश, आपको लगता है कि 200 दिन जैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात करवाने के लिए, अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया? वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम खुद ऐसी जगह से निकले, जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है, हमारे परिवार को लड़ना आ गया है शायद, उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूँ, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रहे मेरी। तो बस वही है कि विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, सर मैं मुझे नहीं पता मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ, कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना, वो अगर नाराज है तो आपको हर वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। सचिन कुमार का रुख करते हैं, शंभू बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। सचिन बताएं कि अभी तो विनेश भी आ गई हैं, वो धरने पर ही बैठी हैं क्या, और किस तरीके का माहौल है, कुछ और खास हो जल्दी से शेयर कीजिए। जी देखिए, विनेश यहाँ आई थी, किसानों के साथ मंच साझा किया इन्होंने, और यहाँ से जो दूसरा बॉर्डर है जहाँ पंजाब और हरियाणा का खनौरी बॉर्डर जहाँ किसान बैठे हैं वहाँ चली गई हैं। दो बॉर्डर्स हैं पंजाब और हरियाणा के, जहाँ पे किसान इस वक्त धरना दे रहे हैं। 200 दिन आज हो गए हैं, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर। तो शंभू बॉर्डर पे किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के बाद विनेश फोगाट अब खनौरी बॉर्डर चली गई हैं, वहाँ भी किसानों द्वारा उनका सम्मान जो है वो किया जाना है। और विनेश फोगाट ने अपनी बात जो मंच से कही, उसमें जो आंदोलन उन्होंने दिल्ली में किया था उसका जिक्र किया कि जब हम दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तब आप लोगों का समर्थन हमें मिला, तब हमें मालूम हुआ कि अपने हक के लिए अपने आप लड़ना पड़ता है। तो इस तरीके के शब्द जो है विनेश फोगाट ने दिखाते रहिए ना, दिखाई दे बॉर्डर पे क्या है। जी मैं आपको तस्वीर जरूर दिखाता हूँ, यहाँ किसान जो है किसान बैठे हैं, बड़ी संख्या में किसान हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं पंजाब के कोने कोने से। आज 200 दिन हो गए हैं यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे जो धरना दे रहे हैं किसान जो हैं उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं ये किसान जो हैं 200 दिन जो हैं। और उसी में जो है यहाँ मंच पे जो हैं विनेश फोगाट जो हैं वो आई थी और किसानों के साथ मंच साझा किया, और ये भी कहा कि केंद्र सरकार को इनकी मांगें जो हैं माननी चाहिए, और ये भी कहा कि इनकी ये जायज़ मांगें हैं जो सरकार को माननी चाहिए। आज 200 दिन हो गए हैं, अपने आप को किसान कहा कि मैं किसान हूँ, किसान परिवार से संबंध रखती हूँ, इसलिए यहाँ पहुँची हूँ। हालांकि राजनीति
ज्वाइन करने को लेकर विनेश फोगाट ने कहा कि उन्हें राजनीति अच्छा सचिन बड़े स्मार्टली कनेक्ट कर गई। पहले कहा कि हमें स्पोर्ट्स के बारे में पूछो तो बताऊं, लेकिन थी वो किसान आंदोलन की महापंचायत के मंच पे और इसके साथ ये भी जोड़ गई कि किसान खाना देते हैं इसीलिए हम खेल पाते हैं। तो राजनीति नहीं कर रही है लेकिन राजनेताओं जैसे बयान जरूर लग रहे हैं उनके। जी देखिए, विनेश फोगाट का किसानों के मंच पे आना ही अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है कि किसान जो है केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट है केंद्र में और उसके खिलाफ किसान धरना दे रहे हैं, एमएसपी को लीगल गारंटी जो है उसकी मांग है और विनेश फोगाट उनके साथ मंच साझा करती है, उनकी मांगों के साथ सहमति जताती है, तो इसका राजनीतिक मैसेज जो है अपने आप ही जाता है। और खासकर जब हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव के दंगल में तो उनका कोई निशानी नहीं है अब, लेकिन किसानों का साथ देने के लिए विनेश फोगाट आई हैं, दोनों बॉर्डर्स पर उनकी मौजूदगी है, वहां से जो बातें कह रही हूं हम आप तक पहुंचाएंगे। सचिन वहीं पर हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं।